और चलिए अब सीधा रुख करते हैं महामंडपम का, जहां पर तमाम विदेशी मेहमान क्या कुछ कहें सुनते हैं। Over a year ago, we committed to building better infrastructure for better future in low and middle income nations. We committed to cooperate with these nations with an equal, non-predatory approach to create new opportunities and prosperity. Today is the launch of the new economic corridor between India and the Middle East and Europe goes precisely in this direction and is a milestone in strengthening global interconnections. And that is why I want to thank Prime Minister Modi, President Biden, and all the others, Ursula von der Leyen, and all the others who made it possible, for it's a very important thing. This will scale up our economy's growth, opening enormous potential for mutual benefit in the business sector. Obviously, Italy is ready to play a decisive role in this process, also through the unique expertise of Italian companies in the maritime and railway sector. And we want to contribute in building bridges between the Mediterranean and the Indo-Pacific, also in the fields of energy and digital connectivity via Africa and the Arabian Gulf. In the energy sector, we're keen to work in different fields, including the production and transport of green hydrogen from the Middle East to the Mediterranean. We also support the European Commission on the HELMET project, a high-voltage submarine electricity interconnection that will link Italy to Tunisia. We are working to strengthen digital connections critical for innovation and growth between the wider Mediterranean and Asia, Lurama. Raman, named after India's तो दिल्ली में महामंथन जो है वो चल रहा है। जितने विदेशी मेहमान आए हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी अपनी बात कह रहे हैं, और उससे पहले भारत की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश मंत्री ने सबने बताया कि हमने आखिर क्या क्या उपलब्धियां अभी तक हासिल की हैं, और इसी को समझने के लिए और आज का दिन कैसा रहा, कितना खास भी था, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद तमाम मेहमान जो है उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा डिनर के जाने के लिए, फिर वहां पर भी अहम वार्ता होगी, बातचीत होगी। लेकिन अभी तक आज पूरे दिन जो हुआ वो कितना महत्वपूर्ण रहा आज का पहला दिन, उसे समझने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों का तारुफ आप लोगों से करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब जुड़े हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही साथ हमारे साथ रोमान हाशमी साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनके अलावा हमारे साथ निपुण आलम बयान साहब जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ के शर्मा साहब जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी और साथ साथ स्वागत भी करूंगी, और उससे पहले एक एक रिएक्शन आप सबका हो जाए आज के पहले दिन को लेकर। तो सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी। देवनाथ सर, सबसे पहले आप आज के दिन को कैसे देख रहे हैं, कैसा बीता आज का पूरा दिन हमारा? आज का दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, इतिहास में याद किया जाएगा। आज के दिन भारत के नेतृत्व में जुटकर एक संघर्ष से जारी किया, और बहुत बड़ा बात यह है कि टीम को जरा सर का ऑडियो प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि देवनाथ सर का जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं आ पा रहा है। शायद मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ, बाकी मेहमान जो है वो भी नहीं सुन पा रहे होंगे। एक बार जरा ऑडियो प्लीज उनका सही से देख लीजिए, चेक कर लीजिए। चलिए अगले गेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलम बयान साहब मौजूद है। सर आप कैसे देख रहे हैं एज ए फॉरेन एक्सपर्ट आज के पूरे दिन को? अभी पहले एक एक रिएक्शन में ले लेती हूँ। नहीं देखिए, मैं तो बड़ा आश्वासित और शिक्षा की उम्मीद थी कि बिल्कुल की भारत सरकार के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उसी की ओर सकारात्मक कदम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लगातार भारत जो मुद्दे को उठा रहा था, हमको अफ्रीकन यूनियन को एक, मैं कल भी आपको चर्चा में समय बताया था आपको कि हम जो बात कर रहे हैं G20+1 की बात कर रहे हैं उसी की ओर बढ़ती हुई चीजें दिख रही है। प्रधानमंत्री जी के भाषण आदि की शुरुआत की उन्होंने तो कितने शानदार तरीके से उन बातों को रखा, और पुरानी बातों को जो प्राचीनता की जो हमारे धरोहर हैं उनके माध्यम से उन्होंने शुरुआत की। तो इनकी जो हमने बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया, और जो चल रहा है आज का जैसा रहा, फिर अभी हम देख शाम का डिनर भी आपने बताया
तब भी चर्चा होगी, डिस्कशन होंगे कल का दिन भी, और लास्ट में देखें जो फाइनली जो डिक्लेरेशन होना है, सारा जो दामोदर है वो डिक्लेरेशन को लेकर है। नेता आते हैं, बातें करते हैं, बैठेंगे, बातें करेंगे, चर्चाएं होंगे, डिस्कशन होंगे, लेकिन G20 का जब फाइनल सबमिट के बाद वो जो डिक्लेरेशन होगा, सबकी निगाह उसी पर टिकी होगी। अभी तक तो देखें बिल्कुल एकदम शानदार मीटिंग रही है, शानदार मुलाकातें हो रही है सबके। आप देखें जब जो बाइडेन की बात करें, वो भी बड़ी तारीफ करें, प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ी ऊर्जावान तरीके से मुलाकातें कर रहे हैं। ऋषि सुनक की बात करें, ब्रिटेन तो बहुत दिन से प्रयास कर रहा है कि भारत हमारा FTA एस्टेब्लिश हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, उसकी ओर उन्होंने चर्चा की है। अमेरिका ने चर्चा की कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कैसे मजबूत हो, कैसे स्ट्रॉन्ग हो, किस तरह से एशिया के अंदर स्टेबिलिटी लाई जाए, तो वो लगातार सब चीज ठीक चल रही है, अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, हर तस्वीर बहुत खास थी अपने आप में, जब किसी से हाथ मिलाते हुए आ रही थी, किसी के गले मिलते हुए आ रही थी, और बहुत देर तक हंसी मुस्कान भी चेहरों पे दोनों राष्ट्र के अध्यक्षों की दिख रही थी। ठीक है, रुमान हाशमी साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आज का दिन कितना सक्सेस रहा, आप क्या लग रहा है, हालांकि अभी कल का दिन बाकी है। देखे, जिस तरह से अभी दो बड़े लीडर जो है वो नहीं आए, और साथ में मेक्सिको के प्रेसिडेंट लोपेज नहीं आए, मेक्सिको के प्रेसिडेंट लोपेज जो नहीं आए वो पिछले कुछ सालों से G20 के मीटिंग में वो नहीं आ रहे, पर्सनली किसी मिनिस्टर को भेज देते हैं। उसकी वजह ये है, उनके जो मेक्सिको के प्राइम प्रेसिडेंट का जो इस पे टेक है वो ये है कि इसमें मीटिंग में असमानता नजर आती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि उस असमानता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इसको दूर करने की एक सफल कोशिश की है, जो ग्लोबल साउथ के मुखिया के तौर पे एक भारत उभरा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, इसमें बात में कोई शक नहीं है। और ये ग्लोबल साउथ में का ही हिस्सा है अफ्रीका, अफ्रीका के AU को जो आज मेंबरशिप मिली है, ये एक बड़ी पहल है, एक बड़ी आपसी सहमति बनाने में प्रधानमंत्री सफल रहे। और ये वही ग्लोबल साउथ है जिसको पहले कभी कोल्ड वार के जमाने में, शीत युद्ध के जमाने में थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, मतलब वो इकोनॉमिकली तौर पे कंट्री जो है वो अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री है, पूरा डेवलप कंट्री नहीं है, विकसित देश नहीं है। जिस विकसित देश की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जब 100 साल भारत 100 साल आजादी के वर्ष 2047 मना रहा होगा तो भारत एक विकसित देश होगा। तो आज यूरोपियन यूनियन को G20 में शामिल करके मुझे लगता है कि मेक्सिको के प्रेसिडेंट अगले साल जो है G20 की मीटिंग में उन्हें वो होंगे आएंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि असमानता नजर आती है, वो असमानता काफी दूर करने में भारत जो है तमाम कंट्रीज को जाने वाले। देखिए, G7 के सफर से स्टार्ट होकर और G7-8 हुआ और G8 के बाद G20 और आज जो वो दिन जो है G21 जो आया, वो देश के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरीके से अफ्रीकन कंट्री को जोड़ा गया, ये कहीं ना कहीं देखिए देश की तरक्की नहीं, एक संपूर्ण विश्व का जो है ना एक समानता के रूप में वसुधा कुटुंबकम की जो थीम है वो कहीं ना कहीं सच साबित होती आ रही है। क्योंकि आप देखो तो नॉर्थ जो है वर्ल्ड की जो नॉर्थ है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा तरक्की किया हुआ था, एक साउथ के जो है 55 कंट्रियाँ जो है यूरोपियन से लेकर अफ्रीकन जो थे अफ्रीकन कंट्री वो के आने से साउथ जो पोर्शन जो हमारे वर्ल्ड का विश्व का जो कमजोर था वो आज मजबूत होगा। आप देखिए कि इतनी खुशी की बात है, लेकिन सही कहीं ना कहीं देखें कुछ चीज़ें जो इसमें हमने देखा, जो हमने इंडिया गेट भी घुमा और चारों तरफ जिस तरह से है, कहीं ना कहीं आपको ने देखा कि जिस तरह से सिर्फ पूरे हर दूरी पे मोदी जी का जो फोटो जो और जो जो बैनर लगे, होर्डिंग्स लगे थे, उसमें मेरे को लगता है कि शायद देश की पहला जो सिटीजन होता है वो प्रधानमंत्री से ज़्यादा राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के फोटो न लगने की वजह से वो ऐसा लग रहा है कि देश सिर्फ प्रधानमंत्री ही चलाता है, जबकि वो एग्जीक्यूटिव होता है, उसका काम वर्किंग काम होता है, वर्क करना, पहला सिटीजन जो है। दरअसल क्या होता है ना, जो मेजबानी करता है ना इन देशों की, तो वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं, तो इसलिए उनको मिलती है। अब हमारे यहाँ के जो प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन ऐसा है ना कि देश में अटल बिहारी वाजपेयी और देश के जो जो आजादी में जितने लोग आजाद, चंद्रशेखर आजाद से लेकर, उनकी भी कहने के इतिहास को दिखाना चाहिए। जब जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आते हैं तो देखते हैं कि यही वो भारत है जिसको हमने गुलाम बनाया, और आज देखो वही भारत देश की मेजबानी कर रहा है, एक हमारे लिए गर्व की बात होती है। बिल्कुल, रोमन हाशमी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रोमन जी। जी, अभी हमारे मित्र ने जो बात कही, देखिये ये मामला क्या है कि कोई जो आपने बात कही कि
प्राइम मिनिस्टर है, देश के पार्लियामेंट के मुखिया भी होते हैं, रूलिंग पार्टी का हेड है वो, गवर्नमेंट है, सरकार है, तो जाहिर सी बात है जो भारत की संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रधानमंत्री का ही एक मुख्य भूमिका, फेडरल सिस्टम है, उसमें 25 राज्यों के मुख्यमंत्री का भी फोटो होना चाहिए था और देश के प्रधानमंत्री का भी होना चाहिए था। विपक्ष के नेता का भी उतना ही रोल होता है देश चलाने में। विपक्ष के नेता को तो डिनर पे बुलाया भी नहीं गया, विपक्ष के नेता को तो देश डिनर पे बुलाया भी नहीं गया, उनके साथ सम्मान ही नहीं किया गया। भाई कोई भी प्रोग्राम होता है, मैं घर में शादी होता है, विवाह होता है, तो हम रूठे अच्छे दुश्मन सभी को बुलाते हैं, सभी को सम्मान देते हैं, और ऐसे में आप विपक्ष के नेता को कैसे छूट गए? ये कुछ गड़बड़ हो गया अभी हमारे। हाँ चलिए, कोई नहीं, आप उसको दुरुस्त कर लीजिए, शायद मोबाइल गिर गया साइड में, उसको आप दुरुस्त कर लीजिए। निपुण आलम मैया जी, आप कितने सहमत हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो बात कही जा रही है कि जिस तरीके से अगर विपक्ष के बड़े लीडर्स को नहीं बुलाया गया तो सिर्फ उनको ना बुलाने के लिए बाकी और जो उपलब्धि इस मौजूदा वक्त में भारत हासिल कर रहा है, क्या हम उसको दरकिनार कर सकते हैं क्या? देखिए अपोजिशन की जो बात होती है ना, हम लोग थोड़ा सा ना भारतीय राजनीति को और हमारे संवैधानिक ढांचे को समझेंगे तो बहुत क्लियरिटी से बातें आ जाएंगी। विपक्ष की भूमिका होती है पार्लियामेंट के अंदर, बहुत प्रैक्टिकल की बात आपको बता रहा हूं। ये तो पूरे विश्व की बात है, पूरे भारत की बात है, इसमें तो सबको एक साथ, क्योंकि जो भी मैसेज जाएगा वो पूरे भारत की तरफ से जाएगा। देश में सम्मान के लिए जो हमारा है, हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली जो हमारी है, वो संसदीय प्रणाली हमारी अपनाई गई, जिसके दोनों है, कार्यपालिका के ऊपर विधायिका कंट्रोल होता है, विधायिका कंट्रोल होता है मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्लियामेंट में मौजूद होता है। कार्यपालिका अगर चाहे, यानी कि जो वर्तमान में सरकार है वो चाहे तो विपक्ष को बुलाए या ना बुलाए, उन पर डिपेंड करता है। और बात ये है कि अभी मुद्दों पर फोकस है कि हमको अपने जो टारगेट हैं उनको लेकर चलना है। यहाँ पे कोई ये नहीं कि विपक्ष को बुलाया जाएगा, पार्टी में बुलाया जाएगा, बिठाया जाएगा, ये देखा जाएगा। सरकार का फोकस अपना है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पूरे हों, ना कि हम भारत की अंदरूनी राजनीति वहां प्रदर्शित करें या अंदरूनी राजनीति वहां पर दिखाएं। ये नहीं तो अगर बुला भी लेते और कोई डर पर आ भी जाता तो आपको लगता है कि ये सब करता वो एज ए गेस्ट रहता? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ सरकार के वो नहीं कर रहा हूँ की सरकार का पक्ष ले रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर आ जाता तो खुद अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात है भारतीय लोकतंत्र। बात ये है अगर नहीं आता है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या और देशों में जब G20 की समिट होती है तो वहाँ पे क्या रूलिंग पार्टी के साथ अपोजिशन आगे बैठता है? बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैं अगले मेहमान पे जाऊंगी। रोमन हाशमी साहब, जिस तरीके से देखिए फर्क कोई नहीं पड़ेगा इन बातों से, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो तय है कि पीएम मोदी का विश्व में कद जो है वो जरूर बढ़ेगा। देखिए ये बात तो सही है। देखिए वो एक सबसे पहले बात ये देखिए कि 40 साल के बाद पहली बार एक्सट्रावेगेंजा के शक्ल में जो है ये समिट हो रही है। याद कर जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ निधा जी। हाँ, आप देखिए कि जिस तरह से मोदी जी का जो है मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी पे जो फोकस किया गया है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी और वसुधा कुटुंबकम, अब मदर डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया है, और जिस तरह से अमेरिका के जो मीडिया वो क्वेश्चन सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे उससे ना देना, कहीं ना कहीं मीडिया की जो है फ्रीडम जो है वो उसको छीन ली गई है। इस पे क्या जवाब है आपका रोमन साहब? क्या वाकई में है कि आज के वक्त अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा है या नहीं बोलने दिया गया, ये सब कुछ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है? ठीक है आलम जी, मुझे ये लग रहा है कि देखिए, याद करें लालकिशन वाई ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक बड़े इवेंट मैनेजर है, उस बात में कोई शक नहीं है। वो जहां भी आप मनमोहन सिंह का विदेश दौरा जो है आज के तारीख में, मनमोहन सिंह का विदेश, ठीक है सर, ठीक है, ज्यादा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बोल तो अच्छा रहा है लेकिन ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, कई बार नेटवर्क इशू भी हो जाता है। ठीक है निपुण आलम है जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या पीएम मोदी का विश्व में और जो कद है वो बढ़ेगा, और फिर इसके बाद इसके मायने क्या निकाले जाएंगे, क्योंकि जितना कद बढ़ेगा उतना भारत के लिए बेहतर होगा। देखिए बिल्कुल, भारत का कद बढ़ेगा, आज विश्व में 5वें नंबर की इकोनॉमी है और हम आने वाले 5 से 7 साल में 30वें नंबर की इकोनॉमी बनने वाले हैं।
तो जाहिर सी बात है जो सेनापति होती है, सेनापति होता है, राजा होता है, उसको तो नाम होता है क्योंकि वो पूरी देश को लीड कर रहा होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आज बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ बाबा की बात जोड़ रहा हूँ, कल के डिक्लेरेशन से फाइनल होगा कि वाकई में क्या हम G20 को कंप्लीट कर पाए। हालांकि मैं पूरी उम्मीद से, पूरी आशा से हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आज का दिन पूरा रहा तो लगता है डिक्लेरेशन करा पाएंगे, फाइनल करा पाएंगे। अगर हो जाता है तो ये बात निश्चित होगी कि एशिया में, एशिया के अंदर भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में को साबित करेगा कि भारत की, यहाँ पे मैं बात मिलिट्री पावर की बात नहीं कर रही, इकोनॉमिक पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँ यहाँ पर डिप्लोमेटिक पावर की, कि एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी को लेकर चलने वाला है। बिल्कुल, मेरा इसमें कहना है रीता जी, जल्दी से फाइनल, मेरा 30 सेकंड में मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से मोदी जी G20 का जो स्वागत कर रहे हैं और जो यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है वो देश के लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत अच्छा हो रहा है, देश पर विश्व में इसका मैसेज जा रहा है, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा है। लेकिन साथ साथ 2024 का यदि इलेक्शन देखा जाए तो उस पे भी मोदी जी का कद काफी बड़ा होगा और चुनाव पे इसका बड़ा असर होगा, वो दिख भी रहा है जो उनका काफी ज्यादा जो होर्डिंग्स और जिस तरह से ऐड हो रहा है वो कहीं ना कहीं मोदी जी कद को बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए केके शर्मा जी आपका, रोमान हाशमी जी आपका, निपुण आलमिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यूके देवनाथ जी ग्रुप कैप्टन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।